नमस्कार UPN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UPN08, बने रहिए हमारे साथ नई और ताजा खबरों के लिए। देखते रहिए UPN08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश चीलक की रिपोर्ट। संविधान की जानकारी से देश भक्ति मजबूत होगी। संविधान की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। देश के हर एक व्यक्ति के जीवन संविधान से प्रभावित। भारत के संविधान की जानकारी देश के सभी लोगों को होनी चाहिए। तहसील सतनामी समाज पाटन एवं सुपर फिक्टी प्लस ग्रुप के आयोजन। संविधान दिवस में पहुंचकर लोगों ने मांगी संविधान। तहसील सतनामी समाज पाटन के तत्वधान में 26 नवंबर को शाम 4 बजे से पाहंदा अ में संविधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित आशीष वर्मा OSD मुख्यमंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे, बिलासपुर से शिक्षक विनोद कुमार कोसले, रूपेश बांधे, शैलेश कुर्रे, भिलई से श्याम लाल भार्गव, आयकर अधिकारी सुनील वर्मा, RJ अनिमेश शुक्ला, पाहंदा आ के पूर्व सरपंच चेतन लाल देवांगन, शिक्षक दुलार सिंह ठाकुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश मलवार ने संविधान दिवस पर संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए राज्य नीति निर्देशक तत्व विशेष वर्गों के उपबंधुओं अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी मिलते ही हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का निर्माण के लिए प्ररूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया तथा इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। इसी वजह से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में ही लिखी थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण राज ज्यादा ने लिखा था, जिनका खानदानी पेशा कैलीग्राफी था, जिन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर का इस्तेमाल कर संविधान के हर एक पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। इसमें 6 महीने लगे, जिनका उन्होंने मेहनताना लेने से भी मना कर दिया तथा भारत के संविधान का मूल प्रति को हीलियम गैस के कैन में सुरक्षित रखी गई तथा भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया और इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया, जो नंदलाल बोस के शिष्य थे। इस तरह से भारत को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों एवं संतों और महात्माओं के विचारों को शामिल करके बनाया गया। भारतीय संविधान की जानकारी प्रत्येक भारतीय को होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक भारतीय में देशभक्ति